मेरे भाइयों, वो हदीस मैं आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सूरह तौबा की आयत नंबर 118 के कॉन्टेक्स्ट में काब बिन मालिक की तौबा का बयान, ये सही बुखारी में बकायदा इमाम बुखारी ने बाब बांधा है। और इस हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4418 और ये हदीस मुस्लिम में भी है 7016। वर्ड बाय वर्ड मैं ये हदीस बयान करूंगा क्योंकि इसकी रिक्कत इसी में है कि मैं इसे लफ्ज ब लफ्ज बयान करूं। आप उस तकलीफ का एहसास करें जिससे काब इब्ने मालिक गुजरे और फिर अल्टीमेटली उनकी तौबा कबूल हुई, और ऐसी तौबा कबूल हुई कि क्यामत तक कुरान में उनकी तौबा का जिक्र है कि अल्लाह ने कबूल की, और उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह तौबा है। जब वो गज़वे तबूक से पीछे रह गए, ये उनका बेटा है अब्दुल्ला, वो इस हदीस को बयान करता है। इमाम बुखारी ने चंद वास्तों से उनके बेटे से यह हदीस ली है, वो अब्दुल्ला, और इस बेटे का जिक्र इमाम बुखारी ने किया कि जब काब रदी अल्लाह तआला अन्हु नाबीना हो गए तो उनके बेटों में से अब्दुल्ला ही था जो उनको रास्ते में पकड़कर चलाया करता था, मस्जिद तक ले जाता था। वो अब्दुल्ला बयान करता है कि मैंने अपने वालिद काब बिन मालिक से उनके गज़वे तबूक में शरीक ना हो सकने का वाक्या सुना, तो उन्होंने बताया कि गज़वे तबूक के सिवा और किसी गज़वा में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं रसूलुल्लाह के साथ शरीक ना हुआ हूं। अलबत्ता गज़वे बदर में भी मैं शरीक ना हो सका, लेकिन जो लोग गज़वे बदर में शरीक नहीं हो सके इनके मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया था, क्योंकि वो ऑप्शनल था। वो अब जिक्र भी आ रहा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर सिर्फ कुरैश के काफिले की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला के हुक्म से किसी पहली तैयारी के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको दुश्मनों के साथ टकरवा दिया। वो मौजाना तौर पे हुआ था क्योंकि वो बदर के लिए निकले, वरना तो ये भी साथ शामिल होते। मैं लैले अकबा में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ था, यानी वो मदीना के लिए जो हिजरत के लिए जिन चंद साथियों ने अंसार मदीना ने राह हमवार की थी उनमें ये शामिल थे, जो नबी इस्लाम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, एक अल्टरनेटिव बेस मिल गया। तो कहते मैं उस रात मौजूद था। यह वही रात है जिसमें हमने मक्का में इस्लाम के लिए अहद किया था, और मुझे तो यह गज़वे बदर से भी ज्यादा अजीज है। अगरचे बदर का लोगों की जुबानों पर चर्चा ज्यादा है, मेरा वाकया यह है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना कवि और इतना साहिब माल नहीं हुआ था जितना गज़वे तबूक के मौका पर, जबकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के गज़वे में शरीक ना हो सका। खुदा की कसम इससे पहले कभी मेरे पास दो ऊंट भी जमा नहीं हुए थे, लेकिन इस मौका पर मेरे पास दो ऊंट थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वे के लिए तशरीफ ले जाते तो आप ज़ू मानी अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, यानी कोड वर्ड्स जिनके दो माने बनते हैं। वो बुखारी मुस्लिम में आए कि नबी अलैहिस्सलाम कहते थे कल हम मशरिक की तरफ जाएंगे, और सहाबा कहते हैं हम समझते थे कि हमने मगरिब की तरफ जाना है ताकि जो मुनाफिकीन है वो हमारी खबर लीक ना कर सकें। लेकिन गज़वे तबूक वो मौका था कि गर्मी बड़ी सख्त थी, सफर बहुत लंबा था, रेगिस्तानी सफर था, और दुश्मन की फौज भी कसरत से थी, रोमन अंपायर 700 किलोमीटर रेगिस्तानी सफर, तमाम मुश्किलात सामने थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस गज़वे के मुतालिक बहुत तफसील के साथ बता दिया था। यानी ये ज़ारा एक मुश्किल वक्त था, तो हुजूर ने खोल के बयान किया कि भाई उधर ही जा रहे हैं। यानी मतलब यह है कि जो जो ये नारे लगाते हैं ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और टिकट कटा ले अपना, ताकि इसके मुताबिक पूरी तरह तैयारी कर लें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सिमत भी निशानदेही कर दी जिधर से आपके जाने का इरादा था। मुसलमान भी आप इस्लाम के साथ बहुत ज्यादा थे, इतने के किसी रजिस्टर में सबके नामों का लिखना बहुत मुश्किल था। काब कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर इस गज़वे में शरीक ना होना चाहता तो वह ख्याल कर सकता था कि इसकी गैर हाजिरी का किसी को पता नहीं चलेगा सवाए इसके कि इसके मुतालिक वही नाजिल हो। तो हज़रत काब का क्या अकीदा था कि नबी इस्लाम उनके साहबा के पास इल्मे गैब नहीं था जब तक कि अल्लाह ताला वही के जरिए ना बता दे। तो बाप दिशा ही कोई नहीं, हाँ ऐसे में बोला कि ना बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप दिशा ही कोई नहीं। और ये अकीदा है साहबा का कि इल्मे गैब यह है कि अल्लाह बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस गज़वे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो फल पकने का जमाना था और साया में बैठकर लोग आराम करते थे। अच्छा देखिए अल्लाह की आजमाइश के फल पक के तैयार हो जाए तो आपने टाइमली उतारना है, अगर आपने नहीं उतारा तो वो तो आपकी पूरे साल की इकोनॉमी उससे वाबस्ता है। अल्लाह ने ऐन उस टाइम पर आजमा लिया कि ठीक है अब तुम नबी के साथ जाओ, अब बाद में भी भूख नजर आ रही है। कहते हैं लोग बैठ के ना चौराहों पर यही बातें करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا۔ وہی جو آج کہتے ہیں جی کل تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لینی ہے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ وہی چیز ہے، یہ ہر انسان پہ، یہ اسے طول عمل کہتے ہیں، لمبی امیدیں لگانا۔ میں روزانہ اسے ٹالتا رہا، مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا، پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی، پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی، اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تھیندے تھیندے تھین گیا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اچھا، جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، پہلے نہیں۔ ہاں وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں، نہ۔ ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا، اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے، اللہ نے تو اپنے علم سے فورس ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، اوئے ہوئے، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا۔ اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا۔ وہ سورہ التوبہ میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا۔ آپ نظروں میں تو تھا نا جی، خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں، یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے، تو اس سے اندازہ لگایا کہ حضرت کعب بن مالک کوئی چھوٹے بندے نہیں تھے۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا۔ اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے، تم نے بری بات کہی، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں۔ اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آ حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے، اتنے اولو العزم صحابہ، لیکن ظاہر ہے نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا، کوئی مجبوری تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کے وقت آ حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر دو رکعت نوافل پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی، یعنی 80 لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بہانے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی۔ دیکھو جی، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ دعا کر دیں، حضور نے بھی دعائیں مغفرت کر دی ہے لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے بہانہ بھی قبول کر لیا، دوبارہ سے بیعت بھی کر لی، چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی، اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی، اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا بات ہے جی،
ये मेरे नबी का ही जिगर है जी, शक्लों से भी पहचान लिया है, साहबा अगर पहचान है उनका बात इनका मामला, अल्लाह जाने उसके बंदे जाने। इसके बाद मैं हाजिर हुआ, मैंने सलाम किया तो आपने सलाम मुस्कुराए, आपकी मुस्कुराहट में नाराजगी थी। आपने फरमाया आओ, मैं चंद कदम चलकर आपके सामने बैठ गया। आपने मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम गजवा में क्यों शरीक नहीं हुए, क्या तुमने कोई सवारी नहीं खरीदी थी? मैंने अर्ज किया मेरे पास सवारी मौजूद थी, अल्लाह की कसम अगर मैं आपके सिवा किसी दुनियादार शख्स के सामने आज बैठा होता तो कोई ना कोई बहाना कर लेता और उसकी नाराजगी से बच जाता। मुझे खूबसूरती के साथ गुफ्तगू का सलीका भी मालूम है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अगर आज मैं आपके सामने कोई झूठा बहाना कर भी दूं और आप राजी भी हो जाएं, तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज कर देगा, क्योंकि मैं बजायर तो बहाना करूंगा लेकिन अल्लाह तो वही के जरिए आपको बता देगा ये झूठ बोल रहा है। इसकी बजाय अगर मैं आपसे सच्ची बात करूं तो यकीनन आपको मेरी तरफ से नाराजगी तो होगी, लेकिन अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मुआफ कर देगा। खुदा की कसम मुझे कोई उजर नहीं था, अल्लाह की कसम इस वक्त से पहले मैं कभी इतना आसूदा हाल नहीं था और फिर भी मैं आपके साथ शरीक ना हो सका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने सच्ची बात बता दी, अच्छा अब जाओ यहां तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में खुद ही कोई फैसला करे। मैं उठ गया और मेरे पीछे बनू सलमा के कुछ लोग भी दौड़े आए और मुझसे कहने लगे अल्लाह की कसम हमें तुम्हारे मुतल्लिक ये मालूम नहीं था कि इससे पहले तुमने कोई गुनाह किया हो, तुमने तो बड़ी गलती की। आप अलैहिस्सलाम के सामने वैसे ही कोई बहाना कर देते जैसा कि दूसरे लोगों ने किया, तुम्हारे गुनाह के लिए नबी अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार ही काफ़ी हो जाता, वही जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। लेकिन सरकार ये काब बिन मालिक थे, उनको पता था और मशवरा देने वाले भी साहब हैं। देखो क्या मशवरा दे रहे कि को माना कर लेना सी, हुजूर ने दुआ करनी सी। मेंटेलिटी उस जमाने में भी उस तरह ही थी, ये ना समझे आज के लोग ही कहते हैं, उस जमाने में भी ढीले मुसलमान तो थे, तो हुजूर ने तेरे लिए दुआ कर देनी थी तो तूने तो ये काम। अल्लाह की कसम उन लोगों ने मुझे इतनी मलामत की कि मुझे ख्याल आया कि वापस जाकर कोई झूठा बहाना कर ही आऊं। अंदाजा करो एड्डा उन्होंने जनाब उन्होंने किया कि चलो ठीक है मैं उन जाके बहाना कर लूं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या मेरे अलावा किसी और ने भी कोई ऐसा उजर बयान किया है, तो उन्होंने बताया कि हाँ दो हजरात और हैं जिन्होंने माजरत की जिस तरह तुमने की और उन्हें भी वही जवाब मिला जो तुम्हें मिला। मैंने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने बताया कि मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाह अन्हुमा। इन दो ऐसे सहाबा का नाम उन्होंने ले दिया जो साले थे और असहाबे बदर भी थे, इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बने। उन्होंने कहा अगर ये दो बदरी साहबी भी उनके साथ भी यही कुछ हुआ है ना, तो मैं अच्छे लोगों की फहरिस्त में अब शामिल हो जाऊं, मैं अब पक्का रहूं, इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया। चुनाचे उन्होंने जब इन बुजुर्गों का नाम लिया तो मैं अपने घर चला आया। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हमसे बातचीत करने से ममानियत कर दी। लो जी सोशल बाइकॉट हो गया। अल्लाह हू अकबर। बहुत से लोग जो गजबे में शरीक नहीं हुए थे उनमें से सिर्फ हम तीन थे, लोग हमसे अलग रहने लगे और सब लोग बदल गए। ऐसा नजर आता था कि हमसे सारी दुनिया बदल गई है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं। 50 दिन तक हम इसी हाल में रहे। मेरे दो साथियों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया, हर वक्त रोते रहते थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी, मैं बाहर निकलता था, मुसलमानों के साथ नमाज में भी शरीक होता था और बाजारों में भी घूमता था, लेकिन कोई शख्स मुझसे बोलता नहीं था। मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हाजिर होता, आपको सलाम भी करता, जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते तो मैं इसकी जुस्तजू में लगा रहता कि देखूं सलाम का जवाब देते हैं या नहीं, और मेरी नजर हुजूर के होंठों की तरफ होती कि जवाब में हिले या नहीं। कनखियों से देखते रहते आप हुजूर जवाब भी नहीं दे रहे। फिर मैं कोशिश करता कि आपके करीब ही नमाज पढ़ूं और मैं आपको कनखियों से देखता रहता ऐसे करके। जब मैं अपनी नमाज में मशगूल हो जाता तो रसूलुल्लाह मेरी तरफ देखते, लेकिन जूं ही मैं आपकी तरफ देखता तो आप रुखे अनवर फेर लेते। जाहिर है हुजूर को भी तो मोहब्बत थी अपने साहब के साथ, हुजूर देखते थे वो जब, यानी अपनी नाराजगी का इजहार वो अगर नमाज में भी हुजूर की तरफ देख रहे तो हुजूर चेहरे अनवर फेर लेते। तो मैं एक दिन अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया, वो मेरे चचाजाद भाई थे और मुझे इनसे बहुत गहरा ताल्लुक था। मैंने उन्हें सलाम किया लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अबू कतादा तुम्हें अल्लाह की कसम क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और उसका रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है,
उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया, अल्लाह की कसम देकर पूछा, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे। मैंने फिर अल्लाह का वास्ता देकर उनसे सवाल किया, इस मर्तबा उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखे नहीं उस बात के जवाब में उन्होंने कहा, भाई अल्लाह के नबी ने मना किया है, अब बायकॉट है तेरा। अल्लाह अकबर। इस पर मेरे आंसू फूट पड़े, मैं वापस चला आया और दीवार पर चढ़कर नीचे बाहर उतरा। फिर वो बयान करते हैं कि एक दिन मदीना के बाजार में जा रहा था कि शाम का एक काश्तकार जो कि गल्ला बेचने मदीना आया था, पूछ रहा था काब बिन मालिक कहां रहते हैं। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, वो मेरे पास आया और गस्सान जो बादशाह था रोमन अंपायर का, उसका एक खत मुझे दिया। वो जो उसका एक समझ ले छोटी छोटी जो अंपायर के अंदर बनी हुई थी, उनमें से एक का वो गवर्नर था। उस खत में लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, नाऊद बिल्ला। अल्लाह ने तुम्हें कोई जलील होने के लिए पैदा तो नहीं किया कि तुम्हारा हक जाया किया जाए, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करेंगे। यानी दुश्मन की फौज के हेड की तरफ से खत आया। जब मैंने ये खत पढ़ा तो मैंने कहा कि एक और इम्तिहान आ गया। अच्छा जी सरकार, एक खत किसी और को लाया हो क्या जी? ऐ देख लो यार रसूलुल्लाह, मनु तो बड़ी ऑफर जे। यहां लोग दुनियादार लोग ही करते हैं ना जी, मुझे फलां जगह से ऑफर हो रही है। लेकिन जो अहले ईमान है वो तो कहते हैं कि यार मैं इस लेवल पे गिर गया हूं कि अब काफिर भी मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, चूंकि मोमिन थे ना। मैंने इस खत को तंदूर में जला दिया। उन 50 दिनों में से जब 40 दिन गुजर गए तो नबी इस्लाम का एलची मेरे पास आया और उसने कहा कि रसुल्ला ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के करीब ना जाओ। मैंने पूछा मैं इसे तलाक दे दूं या फिर मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, सिर्फ जुदा हो जाओ। मेरे दोनों साथियों को जिन्होंने मेरी तरह माजरत की थी यही हुक्म मिला। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मेके चली जाओ, उस वक्त तक वहीं रहो जब तक कि अल्लाह ताला इस मामले का कोई फैसला ना कर दे। काब कहते हैं कि हलाल बिन उमैया की बीवी रसुल्ला की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसुल्ला वो तो बहुत बूढ़े और कमजोर है, इनके पास कोई खादम भी नहीं, क्या अगर मैं इनकी खिदमत कर दिया करूं तो आप नापसंद तो नहीं फरमाएंगे? बीवी देखो जी, बीवी खामद को कुछ समझ नहीं रही, रसुल्ला से जाके पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी इस्लाम ने फरमाया सिर्फ वो तुमसे सोहबत ना करें। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह की कसम वो तो किसी चीज के लिए हरकत ही नहीं कर रहे, जब से आप उनसे नाराज हुए हैं वो दिन और आज का दिन उनके आंसू थमने में नहीं आते। मेरे घर के बाज लोगों ने कहा कि जिस तरह हलाल बिन उमैया की बीवी ने उनके लिए इजाजत ले ली तो आप भी जाके इजाजत ले लें। अब देखें लोग मशवरे दे रहे हैं। मैंने कहा खुदा की कसम मैं इसके लिए रसूलुल्लाह से इजाजत नहीं लूंगा, मैं जवान हूं, मालूम नहीं जब इजाजत लेने जाऊं तो हुजूर क्या फरमा दे। उनको यह भी खतरा था कि मैं ये जाऊं तो ये ना हो कि हुजूर और नाराज हो जाए, अगर कोई चांस भी है ना बचने के तो वो भी खत्म हो जाए। देखें नहीं कितना गॉड ओरिएंटेड बंदा है जी। अल्लाह अकबर। इस तरह 10 दिन और गुजर गए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातचीत करने की ममानियत फरमाई थी, इसको 50 दिन पूरे हो गए। 50वीं रात की सुबह को जब मैं फजर की नमाज पढ़ चुका और अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो हम आयत पढ़ चुके हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 118, जिसमें था ना कि जमीन वुसत के बावजूद तंग हो गई और उनका दम घुटने वाला था। मेरा दम घुट रहा था, जमीन अपनी तमाम वुसतों के बावजूद मेरे लिए तंग होती जा रही थी। मैंने एक पुकारने वाले की पुकार सुनी जो सलअ की पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज से कह रहा था, ए काब बिन मालिक तुम्हें बुशारत हो, ए काब बिन मालिक तुम्हें बुशारत हो। उन्होंने बयान किया कि यह सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब अल्लाह की तरफ से फराखी हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान कर दिया। लोग मेरे पास बिशारत देने के लिए आने लगे और मेरे दो साथियों को भी जाकर बिशारत दी। एक साहिब जुबैर बिन अवाम अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आए, उधर कबीला असलम के एक सहाबी ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज दी और वो आवाज घोड़े से ज्यादा तेज थी। जिन सहाबी ने पहाड़ी से आवाज दी थी जब वो मेरे पास बिशारत देने आए तो मैंने अपने दोनों कपड़े उतार कर बिशारत की खुशी में उन्हें दे दिए। अल्लाह की कसम उस वक्त इन दो कपड़ों के सिवा देने के लिए मेरे पास और कुछ ना था। फिर मैंने अबू कतादा से दो कपड़े उधारे मांगे और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ।
جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے, چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مضافہ کیا اور مبارکباد دی. اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو, اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. واقعی جی, اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ کرتے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں, اللہ کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے. پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا, یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو, یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی, اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا. بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عہد کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات مجھ پر کی سچ بولنے کی وجہ سے. جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی اور وہی آیت نمبر 118 اور 119 نمبر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین و انصار کی توبہ قبول کی اور پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے. نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید وعید کسی اور کے لیے نہیں تھی. اور وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 96 کا انہوں نے پھر یہاں پہ حوالہ دیا کہ ان قریب جب تم اے نبی واپس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بہانے کریں گے, اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا. کعب کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی اور ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. ہمارا معاملہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے یہ پڑھی, سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118. وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم.